मधेपुरा के सिंहेश्वर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि मोदी जी का 400 पार के नारा पर देश के राष्ट्रीय चैनलों ने भी अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि सातवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके बाद एग्जिट पोल पर आए आंकड़े के अनुसार पूरे भारत में एनडीए गठबंधन का तीसरी बार सरकार अपार बहुमत से बनना तय है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे इस पर लड़ा गया है। एनडीए गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी जैसा विशाल व्यक्तित्व का चेहरा था, वहीं इंडी गठबंधन के पास कोई चेहरा ही नहीं था। उसमें जितने भी नेता हैं या तो वो जेल में है या बेल पर है, और स्वाभाविक तौर पर किसी में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवार के रूप में ठहर सके। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि इस प्रचंड जीत के बाद पहले देश का विकास का रफ्तार बढ़ेगा और भारत को सोने की चिड़िया की जगह अब सोने का शेर कहा जाएगा और फिर विकसित भारत का निर्माण होगा। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद। सातवें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब 4 जून को गिनती है और जो एग्जिट पोल है और लगभग सभी प्रतिष्ठित चैनलों ने 400 के पार तक को सही साबित किया भी है। और वास्तव में जिस प्रकार से इस चुनाव में हम सबों ने आने वाले दिनों में विकसित भारत का खाका यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने रखने का प्रयास किया है और उसका एक व्यापक समर्थन भी मिला है, क्योंकि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व जो केंद्र में लगातार सरकार रही, सरकार में सिर्फ अपने परिवारवाद एवं भ्रष्टाचारवाद को ही लगातार कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, इसलिए देश कहीं कहीं ठहरा हुआ था। देश को जिस पैमाने पर तरक्की करनी चाहिए लेकिन इन कांग्रेसियों के कारण देश कहीं कहीं ठहरा हुआ था, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं नरेंद्र मोदी जी की विगत 10 वर्षों की सरकार ने एक गति देने का काम किया। और सबसे जो अच्छी बात विगत 10 वर्षों में देखने में आई कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं आम लोगों तक पहुंचा है और आम लोगों ने कहीं कहीं महसूस किया है, यह देश के लिए एक बड़ी बात है। और इंडी गठबंधन के सामने प्रधानमंत्री का कोई चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं आ पाया, लेकिन एनडी गठबंधन तो क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस बार का चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चुनाव था, और एनडीए ने स्पष्ट तौर पर पूर्व में ही नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया, लेकिन कोई चेहरा सामने नहीं आ पाया। स्वाभाविक है कि या जितने इंडी गठबंधन के नेता हैं या तो वो जेल में हैं या बेल में, और स्वाभाविक तौर पर किन्हीं में इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते। और जो विभिन्न चैनलों का एग्जिट पोल है वो इस बात को दर्शाता भी और साबित भी करता है, इसलिए पुनः एक बार 400 के पार सीटें जीत कर और एक भारत को हम सब पहले भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, इस पर सोने का शेर कहा जाएगा और हम विकसित भारत का निर्माण हम सब करेंगे।